सो बॉयज़, टुडे वी आर इन फ्रंट ऑफ रेनो सोना रोड गुड़गांव में हम हैं आज, एंड जो भी शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ द बॉयज़, आज हमारे सामने रेनो क्विड, ये आर एक्सेल वेरियंट है ऑप्शन इन ऑटोमेटिक। आज हम बात करेंगे इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके प्राइस एंड इसके फीचर्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्या गाड़ी है, क्यों है ये, और क्या ऐसा ऑफर करती है कि आपको यहाँ पे क्यों लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका एक्चुअल प्राइस है 5.5 लाख रुपये और इसका ओनर प्राइस आपको दिल्ली में पड़ जाता है लगभग 6 लाख रुपये। अभी इस प्राइस पॉइंट पे क्या फीचर्स ऑफर करती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कीज़ की बात की जाए तो आपको यहाँ पे रिमोट कीज़ देखने मिल जाती है, यहाँ पे अपने जाता है रेनो का लोगो, एंड आपको यहाँ पे दूसरी साइड मिल जाएंगे लॉक एंड अनलॉक के बटन्स। हालांकि दूसरी की आपको यहाँ बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिल जाती है, वेल डिसेंट डिज़ाइन में देखने मिलेगी आपको यहाँ पे ये कीज़। गाड़ी फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको यहाँ पे वेल काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लुक देखने मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देखने मिले आपको यहाँ पे रेनो क्विड का, जो यहाँ पे हेडलैम्प्स हुए, यहाँ पे ग्रिल हुई, जो यहाँ पे ओवरऑल डिज़ाइन है फ्रंट से और साइड पर, मतलब पूरी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। बोनट भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश देखने को मिलेगा। हेडलैम्प्स की बात करूँ, हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे वेल रिफ्लेक्टेबल देखने को मिल जाते हैं और आपको यहाँ पे ड्यूल हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है, और ऊपर आपको यहाँ जाते हैं LED बेस्ड यहाँ पे DRS, इसके पीछे आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, पूरा आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक का सेटअप देखने को मिल जाता है। और ग्रिल की बात की जाए, ग्रिल आपको यहाँ पे वेल क्रोम फिनिश में देखने जाते हैं सबसे पहले, और आपको यहाँ पे 3 स्लिट डिज़ाइन में देखने मिलेगी, यहाँ पे अपने जाता है रेनो का लोगो, और सेकंड ग्रिल भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में देखने को मिल जाती है। और अभी साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे वेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देखने मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में जो ये व्हील आर्चेस और साइड क्लैडिंग है, मतलब साइड क्लैडिंग या स्टिकर है वैसे तो, लेकिन जो ओवरऑल लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। व्हील्स की बात करूँ, व्हील्स आपको यहाँ पे वेल स्टील में देखने मिलेंगे विद व्हील कवर्स, इसका साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है 165x70R14 इंचेस के मिल जाते हैं आपको यहाँ पे व्हील्स विद 3 बोल्ट्स, और ऊपर आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं फेंडर्स के ऊपर, और जो ORMs आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में देखने मिले प्लास्टिक फिनिश में, एंड जो डोर हैंडल्स है आपको यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश में ही होने वाले हैं वो, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेसरीज मिल जाती हैं, एक्सेसरी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर, और यहाँ पे ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है, एंड नीचे आपको यहाँ पे स्टिकर वगैरह मिल जाते हैं विद 1.0। तो बॉयज़, अभी रियर प्रोफाइल की बात करूँ, रियर प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक देखने मिल जाता है, जो यहाँ पे ये LED बेस्ड यहाँ पे रनिंग लेंस है काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर देते हैं। हालांकि टेल लाइट्स आपको यहाँ पे सारी रिफ्लेक्टेबल देखने मिलती है, नीचे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और रियर बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पे 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने मिले हैं, यहाँ पे अपने जाते क्विड की बैजिंग, रेनो का लोगो और रेनो की बैजिंग। हालांकि यार इस वेरियंट में आपको यहाँ पे, इस वेरियंट में तो क्या, किसी भी वेरियंट में आपको यहाँ पे रियर विंडशील के ऊपर वाइपर डीफोकर नहीं मिलेंगे, वाइपर तो क्या डीफोकर वैसे यार एक्सपेक्टेड होता है किसी भी गाड़ी में, तो इसमें नहीं मिलता। यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप मिल जाता है जो कि रिफ्लेक्टेबिलिटी दिया गया। और अभी बूट स्पेस की बात करूँ, बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे की होल देखने को मिलता है 2024 में भी, तो बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। बूट आपको यहाँ पे वेल डिसेंट देखने को मिल जाती है, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे और इस सेगमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिला, देख सकते हैं आप, डेप्थ भी ज़्यादा है यहाँ पे, विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे स्पेस में इस गाड़ी में कमी नहीं होने वाली, काफ़ी अच्छा स्पेस देखने मिल जाता है आपको यहाँ पे। हालांकि ये जो पार्सल ट्रे है इसमें यार हुक तो लगा देना चाहिए था, मतलब जो स्ट्रिंग्स वगैरह होती हैं, रस्सियाँ वगैरह, ठीक है, मतलब फिर भी आपको यहाँ पार्सल ट्रे मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड स्पेस वेल आपको यहाँ पे इसके नीचे देखने मिलेगा, यहाँ पे इस ट्रे के नीचे, और ऊपर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ही प्लास्टिक फिनिश भी देखने जाती है, जो कि ये मैकेनिज्म को छुपाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है, जो डोर लॉक मैकेनिज्म है। तो वही सब इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है देखने में। डैशबोर्ड के ऊपर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे AC वेंट, जो कि आपको यहाँ पे सर्कुलर डिज़ाइन में देखने मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश भी देखने को मिल जाएगी, और आपको यहाँ मिल जाता है टिकट होल्डर, नीचे आपको यहाँ पे पुराने डिज़ाइन में हेडलैम्प लाइटिंग स्विच मिल जाता है। डोर के ऊपर एक डोर की बात करें तो आपको यहाँ मिल जाते हैं ओल्ड यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश में डोर हैंडल्स, यहाँ पे आपको डोर पकड़ने के लिए स्पेस मिल जाता है, बोतल होल्डर को स्पेस मिल जाएगा क्लोज वगैरह रखने के लिए, और आपको यहाँ पे ये पुराने डिज़ाइन में ही लोकल लोक लेवर देखने मिल जाता है, और जो ORMs है वो आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे। हाँ, तो वो स्टीयरिंग व्हील की बात करें, स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे सबसे पहले फ्लैट बॉटम देखने मिल जाता है, मतलब पूरा वाला बहुत ज़्यादा वाला फ्लैट बॉटम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फ्लैट बॉटम देखने मिल जाता है। वेल डिज़ाइन वाइज आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने मिलेगा यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील, हालांकि ये इसमें किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट देखने नहीं मिलती आपको यहाँ पे क्विड में। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको जाते हैं यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, सिंगल वाइपर के कंट्रोल, और राइट साइड आपको यहाँ पे हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। क्लस्टर की बात करें, क्लस्टर आपको यहाँ पे वेल फुल्ली डिजिटल देखने को मिल जाता है। वे लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे टैकोमीटर, बीच में आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर और MID मिल जाते हैं, और राइट साइड आपको यहाँ पे
कूलेंट एम देते हैं एंड फ्यूल गोज देखने को मिल जाते हैं। जो MID वो शो कर देती है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऊपर आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर, नीचे आपको यहाँ पे ट्रिप्स एंड एवरेज दिखा देगा, और आपको यहाँ पे गियर इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। MID में आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटर भी देखने मिल जाता है एक्सेल वेरिएंट में भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर हो जाता है यहाँ पे सेफ्टी परस्पेक्टिव से, और बाकी सब तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ही है। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ पे वेल 8 इंच रेसिंग देखने मिल जाती है। वेल ये इंफोटेनमेंट सपोर्ट कर देता है ब्लूटूथ, ऑक्स एंड USB, और जो यहाँ पे होम स्क्रीन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रेडियो, मीडिया, फोन एंड सेटिंग्स। रेडियो में आपको रेडियो, मीडिया में चले तो आपको यहाँ पे कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा, फ़ोन में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ सपोर्ट करना, मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आप फ़ोन को देख सकते हैं, फ़ोन बुक वगैरह। यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं और आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, एंड आपको यहाँ पे वॉल्यूम नॉब भी देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर हो जाता है डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए। और आपको यहाँ पे वॉइस कमांड का बटन भी देखने मिल जाता है, और ऊपर आपको यहाँ मिल जाते हैं AC वेंट्स, नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पावर विंडोज़ के कंट्रोल, वेल फ्रंट आपको यहाँ पे पावर विंडोज़ देखने मिल जाती है, और आपको यहाँ मिल जाता है लॉक अनलॉक बटन, यहाँ पे आपको एजान लैंप बटन मिल जाएगा। एंड नीचे आपको यहाँ मिल जाते हैं AC कंट्रोल्स, वेल आपको यहाँ पे मैनुअल AC देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे AC के कंट्रोल्स का डिज़ाइन है आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, हालांकि है मैनुअल ही। नीचे आपको यहाँ मिल जाते हैं 12V सॉकेट, USB ए पोर्ट और एक ऑक्स का पोर्ट। और सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस देखने मिल जाता है, मतलब यहाँ पे फ़ोन तो गया, बोतल भी गया, बड़ी वाली 2 लीटर की बोतल भी यहाँ पे आसानी से रख सकते, इतना ज़्यादा स्पेस देखने मिल जाता है। और आपको यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए थोड़ा बहुत स्पेस देखने मिल जाता है। और ऑटोमेटिक वेरियंट्स में आपको यहाँ पे कुछ ऐसा गियर लीवर देखने मिलेगा, मतलब डायल देखने को मिलेगा, इसके दौरान भी आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत क्रोम फिनिश देखने मिल जाती है। यहाँ पे नीचे मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी, ऊपर आपको यहाँ पे नॉर्मल IRVM मिल जाता है, एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे जो लाइट है वो हेलोजन बेस मिलती है। ऊपर आपको यहाँ पे माइक मिल जाता है कॉल वगैरह करने के लिए, हालांकि जो ये वेरिएंट्स है ये मतलब वैनिटी मिरर और टिकट होल्डर प्रोवाइड नहीं करते, और जो इनका मेन पर्पस है उसमें देखते हैं कैसा सपोर्ट करता है। वेल डिसेंट आपको यहाँ पे ब्लॉक करके दे देता है विंडो को। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे वेल काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का देखने को जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैसिव देख सकते हैं आप, इतने ज़्यादा बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स, यार इतनी छोटी गाड़ी में वेल कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वैसे तो, लेकिन इसमें रेनो ने काम किया, इस पर काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। सीट्स की बात करूँ तो जो आपको यहाँ पे फ्रंट रो सीट्स आपको यहाँ पे 4-way एडजस्टेबल देखने मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे वेल ठीक है, मतलब डिसेंट एडजस्टमेंट्स है, लेकिन कंफर्ट भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट देखने को जाता है मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और हेडरेस्ट आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड ही देखने मिले, और आपको यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है इन सीट्स में। वो इस अभी रियर सीट पर बैठ चुके हैं, तो रियर सीट पर आपको यहाँ पे वेल डिसेंट स्पेस देखने को मिल जाता है, डिसेंट आपको यहाँ पे लेग रनिंग रूम देखने मिले, आगे की ड्राइवर सीट में एडजस्टेड है, तो मेरी हाइट है 5'10" एमिनम बन गए, तो आपको यहाँ पे हेडरूम भी यार डिसेंट देखने को मिल जाता है, और ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, और ये सीट्स के हेडलाइट भी आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड देखने को मिलते हैं। कंफर्ट आपको यहाँ पे वेल डिसेंट देखने को मिल जाता है, अगर 5'10" हाइट के हिसाब से यार, मतलब मैं जिस पोजिशन पर बैठ के ड्राइव करता हूँ मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट में बैठना पसंद है, थोड़ा सा मतलब सेडान वाला पोस्टर मेरे को पसंद है, ऐसा नहीं है पूरा ऊपर चढ़ गए, तो मैं थोड़ा सा कंफर्ट होकर बैठता हूँ, तो यार थोड़ी सी और पीछे सीट हो जाती है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पीछे वाले के लिए स्पेस नहीं बच रहा है। ठीक है यार, फिर भी डिसेंट फेस है। बॉयज अब इंजन की बात करें, इंजन आपको मिल जाता है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस कर देता है 67 BHP पावर और 91 Nm ऑफ टॉर्क, वेल काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस कर देता है इंजन अपने साइज़ के हिसाब से और इस गाड़ी के हिसाब से भी, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस मिल जाती है। ऊपर आपको यहाँ बोनेट इंसुलेटेड मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, कॉस्ट कटिंग नहीं की यहाँ पे कंपनी ने। तो यही सब था यहाँ पे गाड़ी बताने के लिए, और कुछ बाकी ज़्यादा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।